यास्मिन कुकिंग को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। जी, आज मैं बना रही हूँ चिकन शामी नगेट्स किड स्पेशल। अगर आपको इसकी रेसिपी इंग्लिश में रिटर्न चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको मेरा फेसबुक पेज ज्वाइन करना है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है इन्हें लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए ये बनाते हैं चिकन शामी नगेट्स और बताते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले चने की दाल मैंने बॉईल करके रख ली, साथ मैंने आलू भी बॉईल करके रख ली हैं और ब्रेड क्रम्स मैंने बनाए हैं घर पे। एक ब्रेड का पीस लें और ब्लेंडर में उसको डाल के अच्छे से इस तरह मिक्स कर लें तो आपके ब्रेड क्रम्स तैयार हो जाएंगे। इसके साथ हमें सूखा धनिया पाउडर चाहिए, साबुत ज़ीरा, नमक, काली मिर्च, ये चीज़ें हैं और साथ सब्ज़ मिर्ची। सब्ज़ मिर्ची आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं इसमें, कम या ज़्यादा। इसके साथ हमें एक अंडा, सब्ज़ धनिया और ये कीमा लिया मैंने, उसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन और 1/2 टीस्पून नमक ऐड करके मैंने उसको बॉईल कर लिया। चिकन का कीमा है, आप चाहें तो चिकन पीसीस भी लेके उनको बॉईल कर सकते हैं और बाद में आप इनको शेड कर लें, लेकिन मैंने चिकन का कीमा ही लिया है और उसको इस तरह बॉईल कर लिया। और अब ये चीज़ें चाहिए होंगी। सबसे पहले हमने क्या करना है कि चने की दाल और साथ में इसके चिकन और काली मिर्च और सब्ज़ धनिया डाल के इसको ब्लेंड कर लिया अच्छे से मैंने। ये इस तरह अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने इसके अंदर ऐड करने हैं सारे मसाले जो बाकी के रह गए हैं और साथ में ब्रेड क्रम्स, आलू। आलू को बहुत ज़्यादा आपने मैश नहीं कर देना, थोड़े थोड़े लम्स उनके होने चाहिए, नज़र आने चाहिए। तो इस तरह इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ऐड करने के बाद। बाकी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा, आपको शामी कबाब की काफ़ी सारी वैरायटीज़ मिल जाएंगी जिसमें बीफ के भी हैं, चिकन के भी होंगे इस तरह करके, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। अब हम क्या करेंगे कि इनको अच्छे से हमने मिक्स कर लिया और अब हम इसके जो नगेट्स हैं वो बनाना शुरू करेंगे। नगेट्स आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी शेप में बना सकती हैं और जबकि ये बच्चों के लिए हैं तो आप छोटे छोटे नगेट्स बना लें। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि कौन सी शेप आपको बनानी है, क्योंकि मैं तो इसमें 3-4 डिफरेंट शेप आपको बनाना दिखा रही हूँ। इनमें से जो भी शेप आपको अच्छी लगे वो आप बना लें, लेकिन मैं मिक्स ही बना के रखूँगी। जितने सारे हैं वो सबको मैं डिफरेंट डिफरेंट शेप में बनाऊँगी। इस तरह करके मैंने एक गोल सा बॉल बनाया, उसको लंबा करके इस तरह फिर उंगली के साथ साइडों से प्रेस कर दिया तो ये एक शेप तैयार हो गई इस तरह। अब आप देख लीजिए कि इसमें कितनी शेप्स मैं बनाती हूँ, उस शेप की आप बना सकती हैं। और प्लीज़ एक चीज़ यहाँ मेंशन करना चाहूँगी कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक भी नहीं करते। मैं काफ़ी दफ़ा नोट किया है कि काफ़ी व्यूज़ हो जाते हैं लेकिन लाइक बहुत कम आते हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और बहुत बहुत आपकी मेहरबानी होगी। साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो इस तरह करके मैंने काफ़ी सारे जो हैं वो चिकन के नगेट्स बना लिए हैं। आप बच्चों को इसको पैक लंच में दे सकते हैं और आप इनको जब हम फ्राई करें उसके बाद इनको फ्रीज़ भी कर सकती हैं। जब बच्चों ने जाना हो स्कूल उनको फटाफट से गर्म करके तवे के ऊपर पैक लंच में डाल के दे दें। तो ये मैंने 4 शेप बनाई हैं, अब ये सारे मैं बना लेती हूँ। ये मैंने शेप्स बना ली हैं और इसके साथ जो दूसरी प्लेट में है उसमें मैंने थोड़ी सी कुटी मिर्च ऐड की है, थोड़े से वो मैंने स्पाइसी अपने लिए बनाए हैं और एक प्लेट में बच्चों के लिए हैं। इस तरह आप लोग भी कर सकते हैं। और दोनों प्लेटें मैंने बना ली हैं, अब मैं इनको फ्राई करूंगी। तो फ्राई करने के लिए आपको अंडा चाहिए होगा, तो अंडा मैंने इस तरह करके इसको अच्छे से फेंट लिया और उस साइड पे मैंने तवे के ऊपर ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए और इसको हम अब फ्राई करेंगे शामी नगेट्स को। अंडे के अंदर डिप करें नगेट्स को और आप इस तरह ऑयल के अंदर रखते जाएँ। हीट आपने मीडियम ही रखनी है ताकि अंदर तक अच्छे से पक जाए। ये देखिए इस तरह करके मैंने सारे नगेट्स यहाँ रख दिए हैं।
पैन तवे के ऊपर। और अब इनको क्या करना है कि आपने इनकी साइड चेंज करनी है और हीट आपने इसकी मीडियम ही रखनी है जब तक इसके ऊपर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। और शेप बहुत अच्छी बन चुकी है इनकी और अंडे के साथ तो और भी इनकी परफेक्ट शेप बन गई है, जैसे नगेट्स होते हैं वैसे। अब इनके ऊपर ये प्यारा सा गोल्डन सा कलर आना शुरू हो गया है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसके बाद फिर हम इनको निकालेंगे और जो दूसरे रह गए हैं मेरे पास, ये एक प्लेट मैंने यहाँ फ्राई की है और एक प्लेट अभी बाकी हैं, तो उनको भी अच्छे से मैंने फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊँगी इनको सर्व करके इनका फाइनल लुक। इस तरह करके मैं बाकी के भी सारे फ्राई कर लेती हूँ। जी ये रहे हमारे चिकन शामी नगेट्स। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी, ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक देना मत भूलें। मेरे चैनल को अपने फैमिली फ्रेंड सबके साथ शेयर करें, उनको बोलें इस चैनल को वो सब्सक्राइब करें। दुआ में अपनी याद रखें। मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।